अब बात यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका नाम सुनकर भी इस देश में कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि अगर देश में यूसीसी लागू हो गया तो मजहब के नाम पर खोली गई उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इसी यूसीसी पर एक चौंकाने वाली खबर आई है। जिस क्यूआर कोड का इस्तेमाल आप आमतौर पर पेमेंट करने के लिए करते हैं, वैसे ही क्यूआर कोड को अब यूसीसी के विरोध का हथियार बनाया गया है। मुंबई के मलाड में मौजूद नूरानी मस्जिद के बाहर नो यूसीसी वाले स्कैनर कोड लगाए गए और लोगों से अपील की गई कि वो कोड को ज्यादा से ज्यादा स्कैन करके यूसीसी का विरोध करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विरोध करने वालों को यह पता ही नहीं कि आखिर वो विरोध किस बात का कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गए। इस नूरानी मस्जिद के गेट पर एक बैनर लगाया गया है, समान नागरिक संहिता के विरुद्ध अपना जवाब दर्ज करें। और जवाब कैसे दर्ज करें उसके लिए बाकायदा बारकोड है। आप देखिए बैनर में तीन अलग अलग बारकोड जो हैं वो नजर आ रहे हैं। क्यों कमीशन तक हमारी राय पहुंचाना चाह रहे हैं कि यक्सा सिविल कोड जो नाफिज किया जाएगा ये मुनासिब नहीं है, मुसलमानों के लिए भी मुनासिब नहीं है। अगर यक्सा सिविल कोड नाफिज किया जाता है तो सबको नुकसान पहुंचेगा। मुसलमानों के खिलाफ जो मुस्लिम के पर्सनल लॉ जो जितने भी कोई भी चीज़ में यूज़ होते हैं तो वो सब को यानी वो रद्द करके वो अपना एक रूल लाएंगे जिसमें मुसलमानों को यानी जो भी है गवर्नमेंट के थ्रू यानी जो नया रूल बनेगा। गवर्नमेंट तो कह रही है कि सबके लिए एक कानून लाया जाएगा। नहीं तो सबके लिए भले दूसरे मजहब के लिए, तो अगर हमारे मजहब के उसमें अगर कोई दूसरे चेंजेस गवर्नमेंट करेगी तो हम उसके खिलाफ है। आपने स्कैन किया? हाँ स्कैन मैंने किया। आपको पता है क्या है इस? हाँ थोड़ा तो मालूम है, कुछ कानून बन रहा है। हाँ। जो मतलब जो संविधान के खिलाफ है। कैसे पता है कि संविधान के खिलाफ है? उसमें लोगों से मालूम पड़ा ना, मतलब जो उसमें है। आपको पता है यूसीसी क्या है? पता तो नहीं लेकिन जो हमारे बड़े बता रहे हैं वो हिसाब से हम अपनी राय दे रहे हैं। जो हमारा इस्लाम का कानून 1400 साल पहले बना है उसी पे हम दे रहे हैं। आपको व्यक्तिगत जानकारी नहीं कि यूसीसी के बारे में कि किस तरह का ड्राफ्ट नहीं तैयार हुआ है? नहीं ये तो हमारी राय मांग रहे हैं तो हम राय। शरीयत के हिसाब से मुस्लिम प्रश्नों में हमारा मुसलमानों का जो कानून है उसमें बना हुआ है, तो हमारा हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान मुस्लिम प्रश्नों के हिसाब से ही आज तक चलता है, समझेगा नहीं? तो मुस्लिम प्रश्नों ने हमें कहा है और आपको मतलब में एक क्लिक करने के लिए इस तरीके का लोगों को मैसेज पहुंचाना है। अंदर किसी की भी कानून की हम लोग मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे उलमाओं ने कहा है।